वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द नेचुरल फिनोमिनन। ये जो हमारी अर्थ है जिस पर हम रहते हैं, वाई डू वी एक्सपीरियंस नाइट व्हेन इट इज अबाउट टू स्लीप। जब हमें धीरे धीरे नींद आने लगती है शाम में, तो बाहर अंधेरा क्यों छाने लगता है? एंड हाउ ऑटोमेटिकली ऑन द नेक्स्ट डे इट अगेन स्टार्ट्स लाइटनिंग अप। फिर दोबारा से प्रकाश कैसे आ जाता है? हाउ डू वी सी द लाइट? व्हाट इज द थिंग दैट इज कंट्रोलिंग ऑल दिस थिंग? इज देयर एनी इलेक्ट्रिसिटी, एनी पावर हाउस, कोई ऐसी कोई चीज़ है जो इलेक्ट्रिकली रन हो रही है, या ये नेचर के अलग अलग टाइम स्पेंस हैं जो हमें अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं? या डियर स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नेचर। अवर चैप्टर चैप्टर मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर SST। सो टुडे वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर कि हाउ लिविंग ऑन अर्थ मेक्स अस रियली, यू नो, एवरी डे अ न्यू सिचुएशन कम्स, इट रियली मेक्स इंटरेस्टिंग एंड कलरफुल। हाउ डू अर्थ कीप्स ऑन रोटेटिंग, रेवोल्यूशन? यू हैव हर्ड दिस वर्ड। कहते हैं कि पृथ्वी कभी रुकती नहीं है और समय भी कभी रुकता नहीं है, तो वाई डज इट हैपन, हाउ डज इट हैपन? लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर, इन दिस स्मॉल सिनेरियो, कि हाउ डू अर्थ, सच ए ह्यूज प्लेनेट, इतनी बड़ी अर्थ कैसे अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, कैसे उसकी मूवमेंट से वी द पीपल लिविंग ऑन द अर्थ गेट्स अफेक्टेड, हमारी लाइफ पर उसका मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सो लेट्स स्टार्ट। सो आई विल स्टार्ट विद द स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, स्मॉल डिस्प्ले ऑफ द अर्थ। एज यू कैन इमेजिन दैट अवर अर्थ इज राउंड इन शेप, इट्स नथिंग न्यू, हम सभी को पता है द अर्थ इज राउंड इन शेप। दिस राउंड अर्थ इट हैज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, दो तरीके से हमारी अर्थ मूवमेंट करती है। वन ऑफ द मूवमेंट इज द स्मॉलर वन, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशन। जब अर्थ अपने ही जगह पर स्पिन करती है, द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। ये देखिए दिस मिडिल थिंग, दिस स्मॉल स्टिक विच आई हैव टेकन, ये जो इसके ऊपर से नीचे की तरफ आपको शायद जाते हुए दिखाई दे रही होगी, दिस इज अ इमेजिनरी एक्सिस जिस पर अर्थ रोटेट करती है। एंड सी डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्सिस है राइट नाउ, इट वुड बी सीन स्ट्रेट टू योर आईज, आपको ऐसा लग रहा होगा अभी फिलहाल ये देखने में कि सीधा है, बट अर्थ इज एक्चुअली टिल्टेड फ्रॉम इट्स एक्सिस। अर्थ का जो टिल्ट है, जो पोजिशन है, वो अपने एक्सिस से थोड़ा इंक्लाइंड है। ओके, इट्स टिल्टेड, ओके, अवे फ्रॉम द सन। वन पोर्शन इज अवे फ्रॉम द सन एंड वन पोर्शन इज टूवर्ड्स द सन, फाइन। सो ये जो अर्थ अपने एक्सिस पर इस तरह से मूवमेंट करती है, दैट इज कॉल्ड एज द रोटेशन। बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट देर इज वन नेचुरल फिनोमिनन विच इज डायरेक्टली रिलेटेड, दैट इज अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट। अर्थ की रोटेशन से डे एंड नाइट अकर होते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? लेट मी शो यू विद अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट, बी विद अ वीडियो, या जस्ट सी सी हियर आई हैव टेकन अ हेल्प ऑफ अ टॉर्च एंड मोबाइल फोन टॉर्च, एंड हियर इज द अर्थ। इफ यू कुड सी सी द पोर्शन दैट इज इन फ्रंट ऑफ द टॉर्च लाइट इज एक्सपीरियंसिंग सम पार्ट ऑफ लाइट। जहां जहां पर इसकी लाइट फॉल हो रही है अर्थ पे, इस पोर्शन में क्या रहता है? डे रहता है, ओके। एंड द अदर पार्ट एक्सपीरियंसेस नाइट, ओके। एंड व्हेन दिस अर्थ रोटेट्स, व्हेन दिस अर्थ रोटेट्स, तो जो दूसरा पोर्शन है वो भी सन के सामने आ जाता है, देन इट द अदर पार्ट एक्सपीरियंसेस द डे। कैन आई हैव लाइट्स प्लीज? ओके फाइन। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ हैविंग डे एंड नाइट अराउंड द अर्थ, फाइन। सो दीज थिंग्स मेक्स दिस डे एंड नाइट हैपनिंग पॉसिबल। नाउ देर इज वन मोर मोमेंट ऑफ द अर्थ दैट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू सन। दिस मोमेंट इज क्लोजली रिलेटेड टू द सन। एज वी नो, सन इज द बिगेस्ट मेंबर ऑफ अवर सोलर फैमिली सिस्टम, ओके। एंड ऑल द प्लैनेट्स दे रिवॉल्व राउंड द सन, वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, दे रिवॉल्व राउंड द सन। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, लेट मी टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल फॉर दिस अगेन। सी इफ सपोज दिस इज द सन, द बिगर बोल आई एम टेकिंग फॉर रिप्रेजेंटिंग अ सन। इफ सपोज दिस इज सन, अराउंड द सन द अर्थ रिवॉल्व्स, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन।
But dear students, let me tell you, even though it's a big sky, it's a huge universe, still the path around which the earth revolves around the sun, it is a fixed path. See this circle which I am handling in my hand, जो मेरे हाथ में सर्कल आपको दिखाई दे रहा है अलग से, इट इज शोइंग इट द ऑर्बिट अराउंड विच द अर्थ रोटेट, इट्स द पाथ, ये वो रास्ता है जिसके थ्रू अर्थ सन के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है, इट्स अ फिक्स्ड पाथ, इट नेवर चेंजेस, दो इट्स सर्कुलर इन शेप, आपको भी सर्कुलर दिख रहा है शेप में, बट इट्स एक्चुअली एलिप्टिकल, ओके, इट्स एक्चुअली एलिप्टिकल, ये थोड़ा ऐसा मूवमेंट रहता है, इट्स नॉट एग्जैक्टली सर्कल, इट्स दिस वे, एंड दिस इज ऑफ कोर्स अ बिगर मूवमेंट, रोटेशन में तो अर्थ इज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, बट इन रेवोल्यूशन अर्थ हैज टू टेक अ कंप्लीट राउंड ऑफ द सन, इट हैज टू टेक द कंप्लीट राउंड ऑफ द सन, सो इन ऑर्डर टू टेक दिस कंप्लीट राउंड ऑफ द सन, इट टेक्स अबाउट नियरली 365 डेज एंड ऑल्सो 1/4 डे, 365 डेज प्लस वन मोर 1/4 पार्ट ऑफ अ डे इज बींग टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, एंड सी एज वी हैव सीन कि अगर सन के जरा से दूर चले जाने से या अर्थ का एंगल इंक्लाइंड हो जाने से इट कैन क्रिएट डे एंड नाइट, सो यू कैन इमेजिन कि जब अर्थ रिवोल्व करता है सन के चारों तरफ, इट ऑफ कोर्स कोसेस अ ह्यूज डिफरेंस इन टेम्परेचर, जब अर्थ ज्यादा क्लोज होता है सन के, इट कोसेस अ डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर, एंड व्हेन अर्थ इज फार अवे फ्रॉम द सन, इट कोसेस अ डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर, इट्स टोटली हीट बेस्ड थ्योरी, क्योंकि सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन इज अ बॉल ऑफ बर्निंग हॉट गैसेस, ओके, तो अर्थ जब ज्यादा नजदीक आएगा सन के, इट विल क्रिएट व्हाट, समर सीजन, एंड व्हेन द पार्ट ऑफ अर्थ इज अवे फ्रॉम द सन, इट विल क्रिएट व्हाट, इट विल क्रिएट विंटर सीजन, सो व्हाट हैपेंस इज डियर स्टूडेंट्स, व्हेन अर्थ इज यू नो रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस, इट कॉजेस इन ऑल फोर डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन, सी दिस रेवोल्यूशन कोसेस सीजन्स टू हैपन, व्हाट इज व्हाट इट कोसेस सीजन्स टू हैपन, इट कोसेस सीजन्स टू हैपन, अलग अलग सीजन्स होते हैं, वी आर फेमिलियर विथ फोर बेसिक टाइप ऑफ सीजन्स, एंड वट आर दो सीजन्स, या समर, विंटर, ओटम एंड स्प्रिंग, समर, विंटर, ओटम एंड स्प्रिंग, समर सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, जब अर्थ सन के बहुत ज्यादा नजदीक होता है, उसका जो पार्ट सन के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, फेसिंग होता है, इट एक्सपीरियंस समर, एंड द पार्ट विच इज वेरी फार अवे फ्रॉम द सन ऑफ द अर्थ, इट एक्सपीरियंस द विंटर, दिस ओटम एंड स्प्रिंग आर द मीडियोकर सीजन, मीन्स नीदर दे आर टू हॉट एंड नीदर दे आर टू कोल्ड, फाइन, देर आर सम डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस, द नेम आर गिवेन फॉर द डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस, सन के अकॉर्डिंगली जब अर्थ की पोजिशंस होती हैं, उनको हमने ज्योग्राफिकली तीन चार अलग अलग टर्म्स में डिवाइड किया है, और अराउंड द ईयर हमने उनको एक फिक्स डेट्स में कैलकुलेट किया है, इन द सेम चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दोज टर्म्स, दोज डेट्स, मोस्ट प्रोबली आई विल बी डिस्कसिंग अप टू हियर ओनली इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट इन माई नेक्स्ट वीडियो ऑफ द सेम चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दोज स्पेशल डेट्स, दोज स्पेशल पोजिशंस, हम उन पोजिशंस को क्या कहते हैं, उन टर्म्स को क्या कहते हैं, और कौन सी डेट पर क्या हैपनिंग होती है, सो प्लीज वॉच दोज वीडियोज ऑल्सो, देन ओनली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ डज दिस सीजन्स अकर, ये डेट्स के हिसाब से कैसे चेंज होते हैं, टिल नाउ वी जस्ट नो कि आफ्टर दीपावली विंटर कम्स स्लोली स्लोली, एंड व्हेन द फेस्टिवल ऑफ होली कम्स द समर सीजन अप्रोचेस, एंड आफ्टर अवर समर वेकेशन सून वी हैव अ मंथ ऑफ जुलाई, इन दैट सीजन वी हैव अ यू नो रेन एंड ऑल, ओके, सो वी विल ज्योग्राफिकली ट्राई टू स्टडी कि व्हाई दिस हैपेंस सो, हाउ डज इट हैपेंस सो, एंड व्हाट आर द डेट्स रिलेटेड टू इट, ओके, सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट एवर आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, वी विल बी सून बैक विद अवर नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।